नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपके जो रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट से लेकर इंतज़ार था वो अब फाइनली आपके खत्म हो चुका है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी तक कौन से आरआरबी का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और उनकी क्या कट ऑफ गई है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बन रहना। सबसे पहले दोस्तों बात करें आपके आरआरबी अजमेर की, तो आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका रिजल्ट और कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो नोटिस फॉर, देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर पीटी बेस्ड ऑन कंप्यूटर और नीचे है आपके कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे देखते हैं कट ऑफ क्या गई है आरआरबी अजमेर की। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है आपके आरआरबी अजमेर के रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ। तो यहाँ पर जो कट ऑफ की बात करें आपके कैटेगरी वाइज, तो अनरिजर्व कैटेगरी की गई है 73.73, काफ़ी हाई गई है ये आपके कट ऑफ। और इसमें आपके 3 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है जितनी भी वैकेंसी है। ओबीसी की गई है 70 मार्क्स गई है, एससी की 63 और एसटी की 60 गई है। बाकी एक्स सर्विसमैन की काफ़ी कम गई है, 40 अनरिजर्व की गई है, ओबीसी की 30 जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वही गई है, एससी की 30 और एसटी की भी 30 गई है। ये तो है आपके आरआरबी अजमेर की कट ऑफ। और दोस्तों ये हैं आपके आरआरबी अजमेर में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पीटी के लिए, उनकी ये लिस्ट है जिसमें कैंडिडेट के रोल नंबर हैं जो पास हुए हैं। और यहाँ पे आपके बात करें फिजिकल कब होने वाला है, तो फिजिकल होने वाला है आपके द पीटी इज़ लाइकली टू स्टार्ट ड्यूरिंग द 3rd and 4th week ऑफ मार्च, यानी मार्च के अंतिम 2 सप्ताह में आपका यहाँ पर फिजिकल हो जाएगा। और ये है आपकी लिस्ट जिसमें, ये अजमेर की लिस्ट है, इसमें कितने कैंडिडेट पास किए गए हैं, तो ये हैं आपके 14,270 कैंडिडेट हैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पीटी के लिए। अब देख लेते हैं और कौन सी आरआरबी का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। और दोस्तों बात करें आपके आरआरबी बिलासपुर की, तो इसका भी रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट और कट ऑफ दोनों ही जारी हो चुकी हैं आरआरबी बिलासपुर की। और यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और क्लिक हियर टू व्यू कट ऑफ ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं आरआरबी बिलासपुर की क्या कट ऑफ गई है। तो ये आपके आरआरबी बिलासपुर की कट ऑफ हैं जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 3 गुना फिजिकल के लिए। इसमें आपके अनरिजर्व की गई है 70, तो ये भी अजमेर के सेम गई है लगभग। ओबीसी की गई है 66, यहाँ पे कम गई है, एससी की 59 और एसटी की 52 गई है आपकी कम्युनिटी है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ये 40 गई है, अनरिजर्व ओबीसी 30 और एससी 31 और आपके एसटी 30 गई है। तो ये है आपके आरआरबी बिलासपुर की कट ऑफ। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, कितने नंबर से आप मिस हो गए हैं, तो ये सभी आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये है आरआरबी बिलासपुर के जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट है। तो ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे सेम डेट दे रखी है आपकी, मार्च के अंतिम 2 सप्ताह में आपका फिजिकल होने वाला है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे और आरआरबी की कट ऑफ देखने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यदि आप आरआरसी की अभी जो 1 लाख पद पे वैकेंसी आई है, एनटीपीसी की वैकेंसी है, इनकी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा रेलवे ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट ऑल 135 पारियों के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जहां पर आपको 13,500 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आप एनटीपीसी 2016 के ऑनलाइन जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। आरपीएफ के, एएलपी के, कांस्टेबल सभी के आपको ऑफिशियल पेपर हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। आप मात्र 25 रुपये का पेमेंट करके इनको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको डाउनलोड का विकल्प मिल जाएगा और आपके जो डाउनलोड फाइल है वो जीमेल आईडी पर भी भेज दी जाएगी। कोई भी इश्यू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी है। और आरआरबी की बात करें तो अभी कौन से आया, जैसे कि ये मालदा की वेबसाइट है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं अभी तक, देखते हैं रिजल्ट आया या फिर नहीं आया है। तो अभी तक रिजल्ट से लेकर यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। चलिए देख लेते हैं और कौन से आरआरबी का आया है, जैसे कि यहाँ पर आरआरबी मुंबई की वेबसाइट है, तो इसमें अभी सर्वर सही नहीं चल रहा है। तो ऐसे आरआरबी देखिए यहाँ पर ये सर्वर काम नहीं कर रहा है। और ये है आरआरबी आपके भोपाल की वेबसाइट, इस पर देख लेते हैं अभी तक आया या फिर नहीं आया रिजल्ट। अभी आपके 5:23 हो चुके हैं, तो अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो इसमें सर्वर बिजी चल रहा है। फिलहाल आपके बिलासपुर और अजमेर हैं, इनका रिजल्ट जारी हो चुका है। बाकी और भी आरआरबी हैं, उनका जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्लिक हियर फॉर लेटेस्ट अपडेट पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर भी रिजल्ट है वो अपलोड हो चुका है। क्लिक हियर टू व्यू प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट और क्लिक हियर टू रिजल्ट
शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर पीटी और कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक और आपके ऑप्शन आ रहा है, क्लिक केयर फॉर कैंडिडेट लॉग इन टू व्यू देयर स्कोर। उनका क्या स्कोर हो रहा है मास्टर क्वेश्चन पेपर विथ आपके फाइनल की के साथ, यहाँ पे देख सकते हो आप। कट ऑफ की बात करें तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए, देख लेते हैं आरआरबी भोपाल की कट ऑफ है यहाँ पे क्या गई है। देख सकते हो ये आपके आरआरबी भोपाल की कट ऑफ है, जिसमें आपके अंग्रेजों कैटेगरी कट ऑफ 75 गई है, ओबीसी की 70, एससी की 63 और एसटी की 58 गई है। तो सभी आरआरबी की यहाँ पे अब तक अपने जितने भी तीन आरआरबी की देखी है कट ऑफ काफ़ी आई गई है, बाकी एक्स सर्विसमैन की वही सेम कट ऑफ है यहाँ पे। और दोस्तों आरआरबी की बात करें तो यहाँ पे आरआरबी भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उनका रिजल्ट और कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स की बात करें आपकी फ़िजिकल के लिए, तो इसको देख ले हैं आरआरबी भुवनेश्वर का क्या कट ऑफ गई है आपके। तो यहाँ पर भुवनेश्वर की कट ऑफ की बात करें तो आपकी अंग्रेजों की 73 गई है, ओबीसी की 69 गई है, एससी की 60 और एसटी की 55 गई है भुवनेश्वर की कट ऑफ, जो कि फिजिकल के लिए गई है। और दोस्तों अभी तक आरआरबी अहमदाबाद और आरआरबी इलाहाबाद इनका अभी तक रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है, और आरआरबी पटना की बात करें तो इनका भी देख लेते हैं अभी तक रिजल्ट आया है या फिर नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पर आरआरबी पटना की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, देख लेते हैं इनकी क्या कट ऑफ गई है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पीटी। तो चलिए यहाँ पे लिस्ट ओपन जो हो चुकी है, पटना की कट ऑफ काफ़ी हाई गई है आपके, अंग्रेजों की 77, ओबीसी की 72, एससी की 61 और एसटी की आपकी 58 गई है आरआरबी पटना की। और आरआरबी की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं आरआरबी बेंगलोर का अभी तक रिजल्ट आया या फिर नहीं आया है। तो चलिए यहाँ पे बेंगलोर पे बता रहा है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट यानी शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हुए हैं उनके रोल नंबर आ गए हैं लेकिन कट ऑफ है वो नहीं आई है। तो अभी तक कुछ आरआरबी की वेबसाइट है वो नहीं चल रही है और बहुत से आरआरबी का रिजल्ट है वो आ चुका है। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए आपकी कौन सी आरआरबी है और आपकी आरआरबी में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ या फिर अभी तक आपको रिजल्ट का इंतज़ार है। और जिस भी आरआरबी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जैसे ही आ जाएगा तो मैं सभी आरआरबी का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन से आरआरबी की कितनी कट ऑफ गई है, सबसे ज़्यादा किसकी गई है, सबसे कम किसकी गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना, बाकी जो भी रिजल्ट आया है इनकी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।